एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी वीडियो लेकर आई हूं। और आज आप लोगों को करवाती हूं मैं अपने प्लांट की सैर जो होती है वो करवाती हूँ, पूरे गार्डन का जो ओवरव्यू है वो करवाती हूँ। आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे जो प्लांट है वो किस तरह से चले हुए हैं, उनकी ग्रोथ है, उनकी ब्लूमिंग है वो किस तरह से चली हुई। आप देख सकते हैं मेरा पर्सलेन है। ये दोस्तों जो पर्सलेन है ये आप मतलब छाया में भी रख सकते हो, आपको छाया में भी इसकी बहुत अच्छी ब्लूमिंग मिलेगी। अगर डायरेक्ट सनलाइट पे रखोगे तो भी आपको इसकी बहुत अच्छी ब्लूमिंग मिलेगी। और इसकी इतनी ज़्यादा केयर टिप्स नहीं है, और आप इसको छोटी सी छोटी स्टेम से लगा सकते हैं, इसकी जितनी भी छोटी कटिंग होगी। मैंने भी इसको छोटी सी छोटी कटिंग से लगाया था, एक दो कटिंग मिली थी मुझे तो उसी से मैंने लगाया था। आप देखोगे जब मैंने स्टार्टिंग में इसको लगाया था तो मतलब इतनी पहले स्टार्टिंग में जब हम कटिंग लगाते हैं उसको बचाना पहले बहुत मुश्किल हो जाता है, तो मैंने भी इसको इसी तरह से बचाया। और आज मेरे पास इतने ज़्यादा प्लांट हो गए, कुछ यहाँ पे और कुछ दूसरी साइड है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं ये है हमारा शेफलेरा प्लांट। अगर हमारे गार्डन में फ्लावर भी नहीं होंगे तो उसके बावजूद भी ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लांट है ये। तो आप इसको भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं, और देखो, और आप इसको बुशी भी बना सकते हैं। मैंने इसको यहाँ से कट किया था कि कोई और कटिंग लगाई थी, और उसके बावजूद भी ये बहुत ही अच्छा बुशी बन गया हुआ है। और इसके बाद बात करते हैं हमारा जो स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट के आप इस टाइम छोटे छोटे बेबी पब्स लगा सकते हैं, और बहुत सारे मल्टीपल इसको कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कटिंग आप इसकी जो छोटे छोटे जो बेबी पब्स होते हैं उनको आप इस टाइम लगा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मनी प्लांट की। मनी प्लांट की दोस्तों आप देख सकते हैं कितना मेरा अच्छा, बहुत अच्छी मतलब बोशी बना हुआ है, बहुत घना है, बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी। आप इसको भी इस टाइम लगा सकते हैं, और इसमें मेरे पास दो कलर का है ये, आप देख सकते हैं। और मनी प्लांट तो दोस्तों वैसे ही बहुत अच्छा प्लांट है, और लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। आप इसको मेन डोर के सामने लगा सकते हैं, जैसे आपकी एंट्रेंस होती है आप इसको वहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने भी इसको डायरेक्ट मेन डोर के जस्ट साथ में ही लगाया हुआ है, तो आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपने जो स्टेयर पे मेरे प्लांट लगे हैं, जेरेनियम और पर्पल हार्ट और बेबी सनरोज है यहाँ पे, और कुछ मनी प्लांट लगाए हुए, और मैं आपको ऊपर से ही दिखाती हूँ इस तरह से चले हुए हैं इनकी ग्रोथ। तो इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपना जो क्रोटोन है। क्रोटोन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत है। अगर हमारे गार्डन में फ्लावर नहीं हो तो उसके बावजूद भी ये हमारे गार्डन को एक फ्लावर का लुक देता है, कि जैसे लगता है कि हमारे गार्डन में फ्लावर्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों इस टाइम बहुत गंदा हो रखा है, इसको शावर करने को हो रखा है, तो इसको शावर मैं बाद में करूँगी। चलो नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, ड्रेसिना प्लांट, पिंक कलर का ड्रेसिना है। और हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, तो दोस्तों तो ये अभी बहुत गंदे हो रखे हैं, तो इनको मैं शावर करूँगी, नेक्स्ट टाइम करूँगी। तो यहाँ साथ ही एक और क्रोटोन है, आप देख सकते हैं क्रोटोन मेरा बहुत अच्छा चला हुआ है, इनको शावर करने को रखा है। तो बहुत मतलब बाहर बहुत डस्ट है, रोड के साथ है, तो रोड वैसे ख़राब हो रखे है, तो उसके बावजूद और ज़्यादा डस्ट हो रखी है, तो सारे ही डस्ट आ रखे है। तो आप ये देख सकते हैं डबल बैकबोन है, इसको भी आप कटिंग से लगा सकते हैं। दोस्तों ऐसे बहुत से प्लांट हैं जिनको आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, और इतनी ज़्यादा केयर भी नहीं है, तो आप इसको भी लगा सकते हैं। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को आज ओवरव्यू करवा लेती हूँ। तो उसी के साथ मैं आप लोगों को कुछ और दिखाने वाली हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप, इस तरह से छोटे छोटे जो हमारे मटके होते पड़े हुए तो वेस्ट होते हैं, तो आप उनको फेंकिए मत। आप देख सकते हैं इसमें न्यू ग्रोथ भी आ गई है, जो दिखती है ना शाइन वाली, ये हमारी न्यू ग्रोथ इसमें आ गई हुई है। तो इट मीन्स कि ये हमारा प्लांट है ये लग गया हुआ है। तो ये वैसे ही मैंने इधर भी ये दो लगाए हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप भी इस तरह से लगाएं और अपने गार्डन को सजाएं। जो हमारा क्रोटोन का प्लांट होता है, क्रोटोन का प्लांट बहुत ही ज़्यादा जो हमारा स्पाइडर प्लांट होता है बहुत ही, जो इसके लीव्स होती है बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है। आप देख सकते हैं इसको, अगर आपके गार्डन में अगर बहुत सारे क्रोटोन और बहुत लंबे और हैंग करके लगे हो तो और भी ज़्यादा मस्त लगते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने कोलियस की कटिंग लगा के रखी है। यहाँ पर दो वेराइटी है मेरे पास कोलियस की, और एक ये वाली है, और इसी के साथ मैंने ये एक कटिंग लगा के रखी है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसमें तीन चार कटिंग लगा के रखी है मैं, एक ये वाला कोलिस और एक ये वाला कोलिस और एक ये मेरा वन रिंग जियो और ये डबल बैकबोन। तो ये कटिंग मेरी सारी बिल्कुल रेडी हो गई हुई है, इनको आप चाहे रिपोर्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, ये हमारा जो रबड़ प्लांट है, रबड़ प्लांट है कि इंडोर प्लांट भी है और प्योरीफायर प्लांट भी है, और आप इसको लगा सकते हैं इंडोर भी आउटडोर दोनों साइड आप इसको लगा सकते हो, और आप चाहे इसकी छोटी सी छोटी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज के साथ शेयर कर रही हूँ अपना, 20 सितंबर है आज, तो सितंबर का ओवरव्यू करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। तो
ये मेरा फाइकस का प्लांट है दोस्तों, ये मेरा फाइकस का प्लांट। इसमें मैंने जो आप देख सकते हैं, मैंने इसमें टर्टल वाइन लगाई हुई थी। टर्टल वाइन को निकालने के बाद आप देख सकते हैं इनके पत्तों की शाइन कितनी अच्छी लगी हुई है। तो इनको आप एक बार शावर करें, शावर के बाद आपको फिर आप मतलब डायरेक्ट सनलाइट पे नहीं रखना है दोस्तों, इसको शेडी मतलब सेमी शेड एरिया में रखना है जहाँ पे काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करे। इसमें एक और वेजिटेबल ग्रो हो रखी है, मुझे नहीं पता बीन्स है कि क्या ये। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे देख सकते हो आप, ये लगा के रखी मैंने अपराजिता। और ये मेरी मोगरे की यहाँ पे जो कटिंग है, कटिंग बिल्कुल रेडी हो गई हुई है इस तरह से। तो यहाँ पे मेरा बहुत जैसे ऐसे प्लांट लगा के रखे दोस्तों मैंने। साथ ही साथ मैं आपको ये भी दिखाती हूँ अपने जो मेरा हाइब्रिड गुड़हल है, ये हाइब्रिड गुड़हल की जो ग्रोथ चली हुई है और ब्लूमिंग भी बिल्कुल रेडी होने वाला है अब ये। और इस तरह से मैं आप लोगों को अपने गार्डन ओवरव्यू। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ जिस किसी को भी इस जो ये वाला जो हमारा जो सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है ये प्लांट, इसका नाम मुझे नहीं पता है। ये मैं कटिंग लेके आई थी, मैं अपने रिलेटिव के घर गई थी तो मैं पहाड़ों से लेके आई उसको, रामपुर से लेके आई थी। तो मुझे इसका नाम नहीं पता है, तो प्लीज़ आप लोगों को अगर इस प्लांट का नाम पता है तो बताएं। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैं गई थी तो मैंने इसको अभी लगाया भी था। तो आप देख सकते हैं इसकी रूट्स को देख सकते हो आप इसमें। इसमें दोस्तों रूट्स बहुत ही जल्दी आ जाती है, मीन्स कि तीन चार दिन में ही इसकी रूट्स आ जाती है इन प्लांट के अंदर। और देखने में देखो कितना अच्छा लग रहा है, जैसे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो प्लीज़ नाम ज़रूर बताएं मुझे। तो दोस्तों चलते हैं टेरेस गार्डन की और, टेरेस गार्डन का मैं आपको ब्लूमिंग दिखाती हूँ। ये मेरा यूफोर्बिया मिली है जो काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग पे चली हुई है। और ये मेरा टेरेस इस तरह से कुछ है। यहाँ पे मैंने कुछ एक प्लांट लगाए हुए हैं और मैं सोच रही हूँ कि नीचे से भी कुछ प्लांट यहाँ पर शिफ्ट कर लूँगी। और ये देख सकते हो, आई होप आपको ढंग से दिख रहे होंगे मेरे प्लांट। ये मेरे रोज़ है और यहाँ पर भी, और जेरेनियम है। और ये देखो इस टाइम कितना मस्त लग रहा है इसका दोस्तों। अगर आपकी ब्लूमिंग भी नहीं चले तो उसके बावजूद भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा दोस्तों। देख सकते हो आप, इसके पत्ते इतने शाइन कर रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। ये दोस्तों बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट पे भी चल पड़ते हैं, क्योंकि मेरा जो टेरेस है, टेरेस पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ये डायरेक्ट सन लगे हुए है ये। और उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाली हूँ दोस्तों। टेरेस पे आप वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं, इस तरह से मिर्च ग्रो कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मेरा छोटा सा प्लांट है और इसमें कितनी अच्छी सी मिर्च लगी है और कितनी बड़ी बड़ी सी लगी हुई है ये। और यहाँ पर बहुत से ऐसे प्लांट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है। और ये देख सकते हैं आप, सिंगोनियम मेरा कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और ये मेरा जो ब्रह्म कमल जी है हमारे, जो ये मेरा बिल्कुल ख़राब हो गया था। आपको पता है कि मेरे यहाँ स्लाइडिंग हुई थी तो जिसकी वजह से सारा ख़राब हो गया था। और इस बार ये मतलब इस बार ये ब्लूमिंग भी नहीं कर पाया था, मुझे लग रहा है शायद ये ब्लूमिंग करेगा अभी तो, पता नहीं देखते हैं मुझे इस बार इसकी मतलब फूल देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उम्मीद तो मुझे है कि मुझे मिलेगा, चलो देखते हैं। जब खिलेगा तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो इस तरह से देख सकते हो आप, और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि गुड़हल की कटिंग मेरी यहाँ लगी हुई है, नॉर्मल वैरायटी की है ये। और ये मेरा कनेर का पौधा है, ये मुझे अब कलर नहीं पता कि कौन सा कलर है, क्योंकि मैं दो कलर लेके आई थी तो अब पता नहीं कौन सा है ये। और दोस्तों इस टाइम जो हमारी रेन लिली है, जैसे बारिश अभी गिरी थी दो दिन पिछले, कल और उससे पीछे, तो आप जैसे मतलब बारिश होती है उस टाइम ये जो फ्लावर्स है ये अपने आप ही खिल जाता है। और यहाँ पे देखो इस तरह से कुछ मैं आपको दिखा रही हूँ। और तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसके अंदर वेजिटेबल ग्रो करी है, देख सकते हो आप, ये शिमला मिर्च, ये बैंगन है। और इसमें लगा के रखे तो आप भी इस तरह से ज़रूर लगाए। और यहाँ पर मैंने जो मोगरे की जो कटिंग लगाई थी जो बिल्कुल रेडी हो गई थी, इनको मैंने रिपोर्ट किया, इसकी वीडियो नहीं बना पाई थी मैं। और यहाँ पे मैंने सिंगोनियम है, ये बहुत वेरिएटी टाइप का है, तो इसमें कटिंग लगाई थी मैंने, कहीं मंदिर गई थी तो वहाँ से लेके आई थी। तो दोस्तों अब जाके जो मेरा धनिया है, ये शायद बहुत टाइम लेता है ग्रो करने के लिए, तो अब ये ग्रो हो रहा है। आई होप सो आपको ढंग से दिख रहा होगा जो टेरेस गार्डन, बहुत दिन हो गए इसको, क्योंकि पालक तो मैंने हार्वेस्ट भी कर लिया हुआ, ये वाला फिर से ग्रोथ हो रही है उस पालक की। लेकिन जैसे ही ये मैं पालक हार्वेस्ट कर लूँगी, अगर उसके बाद नहीं होता है तो मैंने नेक्स्ट और वेजिटेबल इसके अंदर लगा दूँगी। तो यहाँ पर मैंने टमाटर है, जो इसके अंदर टमाटर था वो मैंने उसके अंदर लगा दिया। तो मेरी जो ये वाली जो हमने नीचे स्ट्रॉबेरी लगाई थी, तो मैंने अब इनको टेरेस पर ले आई हूँ, क्योंकि इनको भी धूप की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो मैंने बीन्स लगाई थी तो उनको मैं क्या लेके मतलब टेरेस पे लेके आई हूँ,
अब इनको बिल्कुल बढ़िया से ग्रोथ हो रही है, इसको देख सकते हो आप इस तरह से। और यहाँ पे मेरा करेला भी बहुत अच्छे से चला हुआ है, और यहाँ पे मेरे बैंगन मस्त मस्त चले हुए हैं, और शिमला मिर्च भी चली हुई है अच्छे से, और जो मेरी कटिंग्स थी वो भी बड़ी अच्छी चली हुई है। और साथ ही साथ मेरी स्ट्रॉबेरी में फिर से फ्रूटिंग हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रूटिंग हो रही है और बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छे से बेबी प्लांट आ रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा मनी प्लांट है, डायरेक्ट सनलाइट पे रखा हुआ मैंने, कितना अच्छा चला हुआ है ये। और मैं यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रॉबेरी की फ्रूटिंग दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छी और बड़ी बड़ी स्ट्रॉबेरी लगी होने हैं ये। और इसी में आप देख सकते हैं इसमें फिर से बेबी पब्स छोटे छोटे से आने लगे हैं, तो मुझे इससे और ज़्यादा बेबी प्लांट मिल जाएंगे, तो कुछ एक तो यहीं पे अपने आप ही ग्रो हो गए। दोस्तों इसमें आपको दिख रहे होंगे इसमें कैसी रूट्स आ जाती है इस तरह से, तो आप इसके ढेरों प्लांट बना सकते हैं दोस्तों, अगर आप एक बार अपने गार्डन में लगा लें उसके बाद आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों जो मेरी गुलदावरी थी उसमें भी ब्लूमिंग होने स्टार्ट होने लगी है, मेरी महरून जैसे कलर की है ये, इसमें ब्लूमिंग आने लग गई। अब मुझे बहुत खुशी है कि मेरे गार्डन में अभी गुलदावरी खिलने वाली है, अब देखते हैं कब जैसे खिलती है ये। ये दोस्तों मैं अब आगे नीचे अपनी फ्रंट वाली बालकनी में दिखाती हूँ, उससे पहले मैं आपको अपने इंडोर प्लांट दिखाती हूँ। ये मेरे इंडोर प्लांट है, यहाँ पे मैंने इंडोर ही रखे होते हैं, यहाँ पे मेरी बिल्कुल ब्राइट लाइट आती है। यहाँ पे मेरा जो स्नेक प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, और यहाँ पर मेरा जो क्या बोलते हैं इसको एग्लोनीमा बोलते हैं स्नेक प्लांट फिर अगेन है, और ये देख सकते हैं एग्लोनीमा मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी मतलब 2-3 वेराइटी है, और कलेक्शन तो मैंने ये वाला स्नो वाइट का मैंने बहुत सारी कलेक्शन कर रखी है एग्लोनीमा की, देख सकते हो आप। और इसमें दोस्तों बेबी पब्स भी आ गए हैं, आई होप सो आपको दिख गए। और मैं इस तरह से चाहती हूँ कि मेरे गार्डन में बहुत सारे, और इस तरह से आप इतने से उसमें लगा सकते हैं, और इस तरह से कितने अच्छे लगते हैं देखने में भी, तो आप भी इस तरह से बनाएं। आई होप आपको ढंग से इस टाइम दिख रहा होगा, पेंट किया हुआ है तो बहुत अच्छे से आप भी इस तरह से बनाएं, देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है दोस्तों, जो ये क्रोटोन है आप बहुत ही सिंपल है ये, और आप कटिंग करें और इसको बेंड करें और नीचे इसमें होल्स करें और इस तरह से डेकोरेट करें, और फिर आपका जो प्लांट है आप चाहे इसको इंडोर लगाएं चाहे आप आउटडोर लगाएं। ये भी वैसी बॉटल है मेरी, और आप इसको भी ऐसे करके लगाए देख सकते हो आप, और इस तरह से देखो मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं ये देखने में, तो मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ ये सबको शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने कुछ कटिंग लगा के रखी है, मुझे उम्मीद है कि ये कटिंग लग जाए, पता नहीं लगेगी नहीं लगेंगी, इसमें बहुत सारे लीव्स निकाल के रखी मैंने इसकी जो बिल्कुल बेकार हो गई थी। और ये मेरा क्रोटोन है यहाँ पर, ये भी बहुत अच्छे से चला हुआ है यहाँ पर देख सकते हो आप। तो दोस्तों जो इंडोर प्लांट होते हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं, उनकी जो डस्ट होती है वो क्लीन करनी पड़ती है। और आप देख सकते हैं ये जो मेरा ये जो वाटर ग्रोइंग है, ये वाले जितने भी यहाँ पे रखे मैंने वाटर ग्रोइंग है, और चलो बाहर दिखाती हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो अपनी फ्रंट वाली बालकनी है मेरी, यहाँ पे आपको रोज़ दिखाती हूँ, इंग्लिश रोज़ है ये, और अभी इसमें पानी देने को रखा है, इसकी गुड़ाई करने को हो रखी है, यहाँ पे बहुत तेज़ धूप है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप जो मेरी कलियाँ हैं कैसी मुरझा गई है एक्जोरा की, तो एक्जोरा भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है। और यहाँ पर मैंने ये भी देखो इस तरह से बैंड करके आप लगा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सीड से ग्रो किया था जो हमारा पिटूनिया है पिंक कलर का ये, तो आप इस टाइम ये प्लांट सीड से ग्रो कर सकते हैं, सीड से बहुत अच्छे चलते हैं ये। ये कुछ इस तरह से लग रहे हैं मेरे प्लांट यहाँ पे, तो चलो यहाँ का ओवरव्यू दिखाती हूँ फटाफट दिखाती हूँ। यहाँ पे मधुमालती में मेरी काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग चली हुई है और घिर भी रहे हैं, और इस तरह से चलो ये देखो मेरी ये जो अपराजिता है, अपराजिता पे भी फूल खिले हुए हैं। अपराजिता को तो आपको पता ही है कि आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं, और यहाँ पे कुछ इस तरह से चले हुए हैं मेरी ब्लूमिंग, इस तरह से चली हुई है, डायरेक्ट सनलाइट पे आपको दिख रही होगी कि कितनी धूप पड़ी हुई है यहाँ पे। और जो मेरा कार्नेशन है वो भी बहुत अच्छे से चला हुआ है यहाँ पे देख सकते हो, और जो DIY टावर बनाया था वो कितने अच्छे से चला हुआ है यहाँ पे। देख सकते हो आप यहाँ पे, मैं फटाफट थोड़ा सा दिखाती हूँ। तो दोस्तों ये इंडोर है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है थोड़ी सी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आप इस तरह से इंडोर भी लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।